नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सबका भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। अगर हम पिछले 24 घंटे के दौरान दर्ज की गई वर्षा की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और NMMT खासकर त्रिपुरा में बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई है। साथ ही असम मेघालय में भारी वर्षा दर्ज की गई है। इसके साथ ही बाकी स्थानों पर भारतवर्ष में कैसा वर्षा का वृतांत रहा और कहां कहां भारी बारिश दर्ज की गई है ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर हम आज की सिनोप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है उसके जो वापसी की लाइन है वो अभी फिलहाल लखीमपुर खेड़ी, शिवपुरी, कोटा, उदयपुर, दीसा, सुरेंद्रनगर और जूनागढ़ से होती हुई गुजर रही है। इसके अगले 2 से 3 दिनों के अंदर वेस्ट जो उत्तर प्रदेश है हमारा उसके कुछ भाग मध्य प्रदेश, बचे हुए भाग जो हमारे राजस्थान के हैं और गुजरात के हैं वहाँ से वापस होने की जो परिस्थितियाँ हैं वो अनुकूल बनी हुई हैं। जो हमारी कल साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ ईस्ट बांग्लादेश के ऊपर स्थित थी वो अभी भी वहीं हैं और वहाँ से एक ट्रफ हमारा नॉर्थ अंडमान सी की तरफ जा रहा है। इनके प्रभाव में नॉर्थ बे ऑफ बंगाल के ऊपर कल अगले यानी 24 घंटे के दौरान एक लो प्रेशर एरिया यानी निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की उम्मीद है। साथ ही कल जो हमारी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मालदीव्स के ऊपर थी वो अभी लक्षद्वीप के ऊपर आ गई है और वो मिडल ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स जो हैं वहाँ तक बनी हुई है। इन सभी सिस्टम्स के प्रभाव में अगर हम आज की हाइलाइट्स की बात करें तो उसमें हमारा जो पूर्वोत्तर भारत है और जो दक्षिणी प्रायद्वीप भारत है वहाँ पे अगले 6 से 7 दिनों के दौरान वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अगर हम Day 1 यानी 3 अक्टूबर की वार्निंग्स की बात करें तो सब हिमालय, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, असम मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। साथ ही दक्षिणी प्रायद्वीप में नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, रायल सीमा, केरला और तमिलनाडु में भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। 4 अक्टूबर के दिन जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है उसमें यही स्थिति बनी रहेगी। समूचे पूर्वोत्तर भारत में और सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम में बहुत भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। दक्षिणी प्रायद्वीप भारत में केरला, तमिलनाडु, रायलसीमा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। साथ ही जो हमारा बंगाल है वहां पे भी भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। 5 अक्टूबर के दिन हमारे समूचे नॉर्थ ईस्ट में और SHWB में भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं और प्रायद्वीप भारत में भी केरला, तमिलनाडु, रायलसीमा और SIK में भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। 6 अक्टूबर के दिन समूचे नॉर्थ ईस्ट में भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा और प्रायद्वीप भारत में भी केरला, तमिलनाडु, साउथ इंटीरियर कर्नाटका में भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। 7 अक्टूबर के दिन भी लगातार पूरे नॉर्थ ईस्ट में भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा और दक्षिण जो हमारा प्रायद्वीप भारत है वहाँ पे भी केरला, तमिलनाडु और SIK में भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। 8 अक्टूबर के दिन समूचे नॉर्थ ईस्ट में और इन तीनों ही स्थानों पर दक्षिणी प्रायद्वीप में केरला, तमिलनाडु और SIK में भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। 9 अक्टूबर के दिन समूचे नॉर्थ ईस्ट में लगातार 7वें दिन भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा और केरला में भी लगातार 7वें दिन भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। आप सब हम सबसे हमारी वेबसाइट mausam.imd.gov.in, हमारी मौसम ऐप और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से जुड़ सकते हैं और मौसम की नवीनतम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।